make up your mind, 'cause I'm getting tired. और स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश न्यू ब्लॉग पे। तो गाइस करते हैं दिन की शुरुआत, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को पूरा देखिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं, टाइम देने के लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। अभी जस्ट उठा हो, थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मिल्क लेके आया और बस अपना दिन शुरू करते हैं। तो गाइस जब हम लोग टेरेस पे सोते हैं तो अपने आप मॉर्निंग 6:37 जब सनराइज़ होता है तो अपने आप नींद खुल जाती है, तो हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं और शीम मतलब कोई रूम में जाके सो जाता है। और जैसे मैं अभी यहाँ सोया हूँ इधर, फिर मैं तो टेरेस पे नहीं सोया था पर यहाँ पे सोने का अलग ही मज़ा। छाव में एकदम देखिए, एकदम मस्त छाव आए। तो गाइस अभी वैसे वर्कआउट तो मैं आज नहीं कर रहा हूँ, और कार्डियो के हिसाब से मैं सोच रहा था कि वॉलीबॉल खेलूँ, तो अभी पापा आ रहे हैं तब तक मैं ही अकेला वॉलीबॉल खेलता हूँ, सर्विस प्रैक्टिस करता हूँ। और क्योंकि वो छोटी बॉल है और प्रॉपर जो स्मैश जो गेम होता है वॉलीबॉल का वो बॉल नहीं है, ये छोटी बॉल है शूटिंग वॉलीबॉल की, तो उससे मैं ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूँ और पापा आएंगे फिर थोड़ा गेम खेलेंगे। ये रही वॉलीबॉल की नेट। तो गाइस जस्ट वॉलीबॉल खेला है और फुल स्वेट में हो गए, और मैं ये बॉल की बात कर रहा था, देखिए शूटिंग वॉलीबॉल छोटी सी निविया की, इससे खेला है और अभी बस थोड़ा फ्रेश होते हैं फिर देखते आगे क्या काम है। A few moments later. सो गाइस अभी मैं पापा और भैया जा रहे कूलर लेने। वैसे हम लोग के पास तो एक कूलर है लेकिन वैसे वो अभी खराब हो गया, अभी यहाँ पे वैसे कि कोई रिपेयरिंग वाला खुला नहीं है, तो एक हमने पता लगाया कि एक दुकान है जो खुली है जहाँ कूलर मिल रहा है, तो अभी हम लोग वहाँ जाते हैं और कूलर लेके आते हैं। आए हम लोग कूलर लेने, अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन सा लेना है, प्लास्टिक का लेना है या फिर वो लोखंड का जो आता है। मतलब वो शॉप वाले बोल रहे हैं कि इसकी मतलब हवा बहुत ही बढ़िया होगी, शानदार ठंडी रहेगी, बाकी तो ये छोटे ये खिलौने जैसे प्लास्टिक के इनकी हवा इतनी नहीं है वो बोल रहे हैं, जितना ये देखिए ये ठीक है इसकी हवा बहुत शानदार आएगी। तो अभी एक रूम के लिए लेना है, सीएम ने शायद बोला होगा। हाँ तो फिर अभी बस ये ले रहे हैं, देखिए इतना सा स्टॉक पड़ा, अभी देखते कौन सा पसंद आएगा इसमें से, फिर लेते हैं जो भी लेंगे आपको घर जाके दिखाते हैं। तो गाइस ये दो कूलर लाए, एक ये कूलर लाए और एक ये कूलर लाए, और अभी इसको ऊपर रूम में लेके जा रहे हैं और उसको नीचे हॉल में रखेंगे। चलो बस भैया थोड़ा बीड़ी वाला जोर करिए। तो गाइस अभी हो रही आफ्टरनून और बात होके रेडी हो गया हूँ मैं, और खाना खाया थोड़ी देर पहले, अभी बैठा था गर्मी लग रही थी तो देखते हैं फ्रिज में क्या है, उम्मीद है कुछ जूस वगैरह होगा, तो चलिए उम्मीद के साथ खोलते दरवाज़ा और क्या है, फ्रूट्स है, ओ है ना यार, है देखिए यहाँ पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है, ये रहा चलिए। और ये क्या है, अच्छा ये किटकैट तो कल परसों लाई थी, पीते अभी। चलो वेट वेट हैंड चेक। तो गाइस अभी आफ्टरनून हो रही है और शाम के बज रहे 4:30, और अभी मैं और मैक्स है घर पे, बाकी सब बाहर गए हुए हैं, और सोनू और नीतू ऊपर सोए, बाकी शिव मम्मी बाबा बाहर गए और मैक्स अभी मम्मी का वेट कर रहा है। रिएक्शन देखिए इसका, मैक्स मम्मी आ रही है, क्या बाकी बार बार गाड़ी चेक करने जा रहा है कि मम्मी की गाड़ी आई नहीं आई, देखिए। तो गाइस अभी शाम के बज रहे 5 और मैक्स के खाने का टाइम हो गया है, तो मैं इसको खाना देता हूँ। मैक्स खाना खाएगा? हाँ चलो खाना खाएगा। ये रहा मैक्स का खिचड़ी, और ये रहा मैक्स, और ये ना मैक्स का कटोरा। मैक्स The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। और जस्ट थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और अभी जा रहा हूँ वर्कआउट के लिए, शीम वहीं पे है तो थोड़ा वर्कआउट करता हूँ। तो गाइज वर्कआउट करने से पहले एज़ यूजुअल रोज़ मिल्क लाना होता है, तो अभी शीम वहाँ पे गया है, देख सकते हो शीम यहाँ पे जा रहा है मिल्क लेने, सब पाउच खड़ी है। कतरा दड़ा रिया
तीन दिन की है ये बच्चा गाय का, 3 दिन का है। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ वर्कआउट और आप इंजॉय कीजिए टाइम लैप्स को। और मेरे साथ है मेरा एक सुपरवाइज़र और ये रहा सुपरवाइज़र मैक्स। मैक्स Let's go, let's go, भागो काटो। But you won't even try to survive you.